नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में डीएमटी के फार्मा के लार्गो हर्बल कैप्सूल की डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको इस कैप्सूल से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स को सबसे पहले रिप्लाई के लिए और आने वाली सभी वीडियोस को बिना मिस किए सबसे पहले देखने के लिए आप प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल वाले बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। लार्गो हर्बल कैप्सूल शारीरिक कमजोरी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे जाते हैं जिनकी बॉडी बिल्ड तो काफी अच्छी होती है, लेकिन उनमें उतना अच्छा स्टैमिना नहीं देखा जाता। ऐसे लोग थोड़े से बॉडी स्ट्रेस से तुरंत थक जाते हैं। जो लोग अपने पार्टनर को सेक्सुअल प्लेजर नहीं दे पाते, ऐसे लोगों में ये काफी अच्छा काम करती है। सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद जिन लोगों में बहुत बदन दर्द होता है, ऐसे लोगों में भी ये काफी अच्छा काम करती दिखाई देती है। तो अब जरा डिटेल में जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में और बाद में जानेंगे कि इस कैप्सूल को कौन कौन और कैसे ले सकता है। तो दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें सुवर्ण भस्म, वंग भस्म, अबरक भस्म, तामिल खाना, कौंच बीज, मुलेठी, सौफ, शतावरी, सफ़ेद मूसली, इलायची, पिपली, काली मिर्च, तेजपत्ता, जावित्री, दालचीनी, हल्दी, ऐसे द्रव्य शामिल हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स बॉडी की वाइटलिटी को बढ़ाते हैं। साथ में ही ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अवयवों पे यानी यौन अंगों पे काफ़ी पॉजिटिव काम करता है। इनसे नसों की कमजोरी और अवयव की शिथिलता और उदासीनता दूर हो जाती है। ये कैप्सूल आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है, साथ में ही GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और ISO से भी सर्टिफाइड है। ये 100% हर्बल और नेचुरल है और इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या फिर फ्लेवर्स नहीं मिलाए हुए हैं। तो बात आती है कि इन्हें कौन कौन ले सकता है। तो जो लोग हमेशा थकान का अनुभव करते हैं या जिनकी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत हमेशा कम होता है या एक प्रकार का चिड़चिड़ापन जिनमें देखा जाता है, ऐसे लोग इसे ले सकते हैं। जिन लोगों में एबनॉर्मल स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा होता है और स्पर्म की मोर्टलिटी भी काफ़ी कम देखी जाती है, ऐसे लोगों में भी इसके इस्तेमाल से काफ़ी फायदा होता है। बार बार मसल फटीग होना या फिजिकल वर्क के बाद जो लोग बहुत थक जाते हैं, ये उनमें भी लिया जाता है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जिनमें सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती, ऐसे लोगों में भी इसके इस्तेमाल के बाद सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगती है। दोस्तों, इसके डोज की बात करें तो इसका एक कैप्सूल सुबह और शाम को कुछ खाने के बाद थोड़े दूध के साथ लेना होता है। वैसे आपको दूध पसंद नहीं है तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ या फिर जूस के साथ भी ले सकते हैं। लार्गो कैप्सूल के नॉर्मल डोज से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप यदि किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे आप हाई BP से परेशान हैं, तो आप इस कैप्सूल को ना लें। और आप यदि अन्य किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लार्गो हर्बल कैप्सूल की। यदि आपको इस कैप्सूल के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आपको इससे जुड़ी और सभी ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी। हम ये आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रही होगी। आपके इससे जुड़े सवाल हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्दी एक ऐसी इफेक्टिव वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।